भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को नष्ट कर देती है। अपने आज जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में समभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों में नहीं बंधता। जो आशा रहित है, जिसके मन और इंद्रियां वश में हैं, जिसने सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। काम, क्रोध और लोभ, यह तीनों चीज़ों को नरक की ओर ले जाने वाले तीन द्वार हैं। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ कही जाती हैं। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और आत्मा बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धा पूर्वक मेरे उपदेश का सदैव पालन करते हैं, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। कोई मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चले। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव होगा। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना तो इस धरती पर है, ना ही कहीं और जगह। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना पराया, ऊंच नीच, मेरा तुम्हारा, ये सब अपने मन से हटा दो और फिर देखो यह सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। परिवर्तन ही इस दुनिया का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। आनंद बस मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना मन आपका शत्रु भी बन सकता है और मित्र भी बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका मन आपका शत्रु भी बन सकता है और मित्र भी बन सकता है। सुख का राज कम इच्छाएं रखने में है। मन चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में असफल हो जाते हैं तो अपनी रणनीति बदलें, लक्ष्य नहीं। अपने कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं और उसके अनुसार उसको फल मिलता है। वर्तमान परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है इसका मतलब है कि वह अधर्म का साथ दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना इसे जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कर्म उसके भाग्य का निर्माण करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ सत्कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद ही अपना नाश कर बैठता है।
मन बहुत ही चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा और किसी पर निर्भर नहीं रहता। ना तो यह तुम्हारा शरीर है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। जो मन को रोक नहीं पाते, उनके लिए उनका मन ही दुश्मन के समान है। इसमें कोई शक नहीं कि जो भी व्यक्ति मुझे याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। सभी कर्मों को त्याग कर, अर्थात हर आशय को त्याग कर, केवल मेरी शरण में आ जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के उत्थान के लिए अवतार लेता हूँ। बुरे कर्म करने वाले नीच व्यक्ति मुझे पाने की कोशिश नहीं करें। जिसके पास कोई बंधन नहीं है, वे वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्यार शुद्ध और दिव्य है। जो कुछ भी आपको करना है, वह लालच के साथ नहीं, अहंकार के साथ नहीं, ईर्ष्या के साथ नहीं, बल्कि प्यार, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ करें। जो व्यक्ति किसी भी देवता की पूजा करता है, मैं उसी में उसका विश्वास बढ़ाने लगता हूँ। इंद्रियों से खुशी पहले अमृत की तरह लगती है, लेकिन अंत में जहर के रूप में कड़वा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता। जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। मनुष्य के जीवन में दुर्गुणता जन्म ही तब लेती है जब उसके जीवन में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास क्या है? जब मनुष्य यह मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वह यह समझता है कि संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक वैसे जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, सिर्फ मन की स्थिति है और जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। जीवन का दृष्टिकोण मनुष्य के अपने वश में होता है, स्वयं विचार की। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।